31 जुलाई 2020 को श्री रमेश कुमार पुत्र स्वर्गीय बाबूराम निवासी हमजापुर थाना सराय ख्वाजा जिला जौनपुर से ने शिकायत दर्ज कराई कि अभियुक्तगढ़ चंद्रभूषण सिंह पुत्र राम अवतार सिंह निवासी बाबू खजरी थाना मेनगर आजमगढ़, इंद्रेश कुमार पुत्र स्वर्गीय रामफेर निवासी करौती थाना मेनगर आजमगढ़, करमजीत मौर्या पुत्र अलरक मौर्या निवासी ग्राम खालिसपुर गोदाम थाना जैतपुर अम्बेडकर नगर द्वारा मुझे और दिनेश राजभर पुत्र ब्रह्मदेव राजभर निवासी ताखा पश्चिम थाना सागंज जौनपुर को कूटरचित दस्तावेज एवं फर्जी वीडियो दिखाकर हम लोगों से 5 लाख रुपए की ठगी कर ली है, जिसके आधार पर थाना स्थानीय में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर छानबीन शुरू की गई। आज दिनांक 1 अगस्त 2020 को मुबारकपुर पुलिस एवं स्वाट टीम की मदद से विभिन्न धाराओं में वांछित अभियुक्तगढ़ चंद्रभूषण सिंह, इंद्रेश कुमार, करमजीत मौर्या को दिनांक 1/8/2020 को समय सुबह करीब 8:40 पर बैठौली बाईपास से गिरफ्तार किया गया और अभियुक्तगढ़ से पूछताछ हुई। उनके बताए स्थान पर बिलेसा स्थित ऑफिस से फर्जी कूटरचित दस्तावेज व लैपटॉप प्रिंटर व नगद 60,000 रुपए बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगढ़ का चलान कर जेल भेजा गया। विवेचना के दौरान पूछताछ एवं साक्ष्य संकलन के पश्चात पता चला कि नामित अभियुक्तगढ़ का जालसाजी का एक संगठित गिरोह है, जो मुबारकपुर के राम जानकी मंदिर की मूर्ति चोरी का साजिशकर्ता गैंग है, जो भोले भाले लोगों को आजमगढ़ एवं आसपास के जिलों में ऐतिहासिक एवं प्राचीन मूर्तियों एवं प्राचीन सिक्कों में राइस पूलिंग का पावर दिखाकर प्रभाव में लेता है और उनसे उन मूर्तियों एवं एंटिक आइटम की चोरी कराकर उन्हें बेचकर रातों रात अमीर बनने का सपना दिखाता है। ये गैंग तमाम लोगों को पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं शस्त्र लाइसेंस दिलाने के नाम पर भी कूटरचित दस्तावेज दिखाकर ठगी करता है। इस अभियोग का वादी रमेश कुमार लेखपाल है, वह दिनेश निजी विद्यालय का संचालक है। बरामद 60,000 रुपए वहीं से ठगी का अवशेष है, जो उन्होंने पीड़ित से करीब 10 दिन पूर्व ही लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खैरवार। देखिए 24-25 की रात राम जानकी मंदिर में मुबारकपुर में मूर्तियां चोरी गई थी, उसमें सीता जी, राम जी, राधा कृष्ण जी, बलराम, करीब 6 मूर्तियां चोरी गई थी। सनसनीखेज घटना थी, लूट करके जो पुजारी थे उनको बांध करके ये लोग ले गए थे। बाद में हमारी पुलिस SOG और वहाँ के मुबारकपुर थाना की पुलिस मिल करके इस केस को वर्कआउट किया और सारी मूर्तियाँ बरामद हुई। उसी बरामदगी के दौरान पता चला कि ये बहुत बड़ा रैकेट है और ये पैन इंडिया है, इसका हिमाचल प्रदेश में भी है, कलकत्ता में भी है, यहाँ के भी कई लोग इन्वॉल्व हैं। इस तरह से मूर्तियाँ जो अष्ट धातु की मूर्तियाँ होती हैं, इसको बाकायदे टेस्ट करते हैं, ये उसको बोलते हैं राइस पुलिंग। ये पहले मंदिर में जाकर रैकी करते हैं, मंदिर में मूर्तियों के सामने जाकर के चावल रख देते हैं और चावल अपने आप रात में मूर्ति के पास पहुंच जाता है, तब ये समझते हैं कि टेस्ट में ये सफल है और ये अष्टधातु की मूर्ति है। और पिन से भी जा करके टेस्ट करते हैं कि अष्टधातु की मूर्ति है कि नहीं। बकायदे इनके गैंग में एक लेडी भी काम करती थी, वो जाकर टेस्टिंग करती थी। इस तरह से 6 लोगों को भेजा गया था। जब हम लोगों ने और नेटवर्क की जाँच की तो पता चला कि ये गैंग सिर्फ मूर्तियों का ही नहीं, इनका मास्टरमाइंड हिमाचल प्रदेश में बैठा हुआ है, वो आर्मी बैकग्राउंड का सीनियर आदमी है, जैसा बता रहे हैं। अभी हमारी इस पर तहकीकात चल रही है। तो ये केवल सिर्फ मूर्तियों का नहीं करते थे, ये जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग देख रहे हैं इसमें रूबल्स वगैरह फॉरेन करेंसी के भी वो हैं और फॉरेन की कई बड़ी कंपनियों से एग्रीमेंट साइन करके बकायदे जो है ये फर्जी, ये फेक डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसा उसने कन्फेस किया कि ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं, ये फेक हैं, लेकिन विदेशी कंपनियों से कॉन्टेक्ट है और करोड़ों के ट्रांजेक्शन का इसमें जो है जिक्र है। ट्रांजेक्शन का डिटेल भी आप देख सकते हैं कि ये कई इस करोड़ों के ट्रांजेक्शन का। इस तरह से ये 3 और पकड़े गए हैं। जो जनता है, जनता को तो ये भोले भले जनता को मूर्ति चोरी कर ही रहे हैं। हमारे यहाँ डिपार्टमेंट का एक लेखपाल को भी इस तरह से ठगी गए इन्होंने, करीब 5 लाख रुपया लेकर के कि तुमको 5 लाख रुपया मिलेगा, कलकत्ता भी ले गए और उन्होंने कहा कि 2-3 करोड़ तुमको इसका रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो एंटिक पीस है मूर्तियों की काफ़ी कीमत होती है। तो बाकायदे ये दिखा, डेमो भी दिखाते हैं, ये बना करके इस तरह से और राइस को वो दिखा करके उसकी वीडियो बना करके दिखाते हैं कि देखो ये इसमें ये ऊर्जा है और ये मूर्ति जो है असली है, इसका इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा कीमत है। इस तरह से ये धोखाधड़ी का शिकार बनाते हैं लोगों को। ये बहुत बड़ा गैंग है, इसमें 3 और लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अभी हमारी टीम काम कर रही है, इसमें और भी गिरफ्तारियां होंगी।